जरा बड़ा वधिया सी, पर लॉकडाउन लगा होया ते बगैर किसी वजह तो असी बाहर नहीं निकल सकते ना किसी दूसरे शहर। वैसे साडा टारगेट हुंदा भी असी ना कोई अच्छी अच्छी लोकेशन तुहानू विखाईए, पर अज असी कमरे च ही अपने कोशिश कर रहे हैं वीडियो बनाने की। इंशाला जो लॉकडाउन खत्म होएगा तो इंशाला फिर निकला करांगे बाहर फिर तुहानू वास्ते भी, तो उन्नी देर तक असी घर जो रेसिपी वगैरह या जो साडा दिन की एक्टिविटी है वो तुहानू शेयर करांगे। अस्सलामुअलैकुम, की हाल चाल है भरावां दा? उम्मीद करने सारे ठीक ठाक हो गए। तो अज असी बाहर निकल नहीं सके, मैं ते इमरान ने आलू वाले पराठे बनाने का इरादा बनाया तो वो असी बना लगे हैं, तो उही रेसिपी तुहानू शेयर करांगे, तो तुसीं वेख के दसना कैसे लगे। हुण बना लगे आलू वाले पराठे, तो आलू उबाल के ते विच मसाले वगैरह पा लेने, तो नाल विच छोटा छोटा प्याज कट के पा लिया। तो हुण असी तुहानू पराठे बना के विखावांगे इंशाल्लाह। तो चलो फिर भाई जान हुण साडे पुदीने दी चटनी बनाउण लगे ने, ते क्योंकि नाल आलूआं दे पराठे दे नाल पुदीने दी चटनी होए ते क्या ही बात है। मेरे असल मूंह च पानी आ रहा पराठे वेख के ना, ते गल नहीं हो रही। ते बाकी इमरान साहब चटनी नूं किन्ना टाइम लग जाएगा यार, क्योंकि इंतजार नहीं हो रहा। 2 सेकंड सर जी, सिर्फ 2 सेकंड दिओ मैनूं, भुख बहुत लगी आ। ते असीं इह नाश्ता करना ते उते में एक दा टाइम हो चला। उम्मीद करांगे अज्ज वीडियो तुहानू अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो च होएगी मुलाकात। अल्लाह हाफज़। जिंदे वास्ते।